Hello students, today we will do a new topic, sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. Ek jo sentence hota hai, wo group of words hota hai, means bahut sare words ka group hota hai, jo ki ek complete sense deta hai. Means uska ek meaning nikal ke aata hai. Agar bahut sare group of words hain aur uska complete meaning nahi nikal raha hai, to wo kabhi bhi ek sentence nahi hota hai. Jo ek sentence hai, wo hamesha ek complete sense dega. Theek hai? For example, man is a social animal by nature. Man जो है वो एक social animal होता है by nature, ठीक है, उसका nature ही जो है वो एक social animal की तरह है. ठीक है, honesty is the best policy. Honesty जो है वो सबसे बड़ी policy है. तो ये जो दोनों sentence है इनका complete meaning आ रहा है, तो ये हमारे sentence होंगे. ठीक है, now kinds of sentence. There are five kinds of sentence. First one is declarative sentence, या जिसको हम assertive sentence भी कहते हैं. ठीक है, declarative भी बोल सकते हैं या assertive भी बोल सकते हैं. Next, interrogative sentence. Third one is imperative sentence. Fourth one is exclamatory sentence. Fifth one is optative sentence. Okay. Now I will explain one by one. First one is declarative and assertive sentence. A sentence that states or declares something is called an assertive or declarative sentence. एक ऐसा sentence जो कि कुछ हमें बात बताए, ठीक है, कुछ आपको message convey कर रहा है, ठीक है, कोई आपको बात बताई जा रही है, कोई statement आपको बताई जा रही है, ठीक है, वो हमेशा एक assertive या declarative sentence होता है. For example, the earth moves round the sun. अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है. ठीक है, तो ये कोई एक वैसे ये जनरल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, तो कोई भी पर्सन या कोई भी आपको ये बात बता रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है या यहाँ पे एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करी जा रही है. ठीक है, तो ये आपका एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली इंडिया की कैपिटल है. ठीक है, तो ये भी क्या है, ये आपका एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है. डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, जो बात आपको डिक्लेयर की जा रही है, मीन्स जो बात बोली जा रही है, ठीक है, जो आपको बात बताई जा रही है किसी के थ्रू, ठीक है, वो हमेशा आपका एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. सेकेंड काइंड है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव से ही आपको पता चल रहा होगा, मीन्स यहाँ पे कोई क्वेश्चन आओ. सेकेंड पॉइंट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव मीन्स जहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, जहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे कोई बात पूछी जा रही है, तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, वट डू यू वॉन्ट, डू यू नो इंग्लिश, आप क्या चाहते हो. ठीक है, क्या आप इंग्लिश जानते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस. नाउ थर्ड वन इज इम्पैरेटिव सेंटेंस. इम्पैरेटिव मीन्स जहाँ पे जो सेंटेंस है उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगे कि वहाँ पे कोई कमांड है. ठीक है, वहाँ पे कोई ऑर्डर दिया जा रहा है. ठीक है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है. ठीक है, या कोई सजेशन एडवाइस दी जा रही है, तो वो हमेशा आपका एक इम्पैरेटिव सेंटेंस होगा. ओके, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड मीन्स ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और सजेशन. ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिससे कि हमें कमांड का पता चले या किसी रिक्वेस्ट का पता चले या सजेशन का पता चले, तो वो हमेशा हमारा इम्पैरेटिव सेंटेंस होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ रिक्वेस्ट. प्लीज़ पोस्ट द लेटर, मी आई यूज़ योर फ़ोन. देखो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कृपा करके लेटर को पोस्ट कर दो. मी आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हो रही है,
ठीक है। देखो लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क है, आप ये मत समझना कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप उसकी सेंस देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे मे, यहाँ पे मोडाल भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मे से हमारी क्लियर हो रहा है हमारा सेंटेंस कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मीन्स यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है सेंटेंस में, प्लीज़ से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हो रही है, कृपा करके लेटर पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं हमारे, इम्पेरेटिव सेंटेंस है और रिक्वेस्ट की जा रही है इनमें, ठीक है। नाउ बी इज़ कमांड, जहाँ पे कोई कमांड दी जाए, कमांड मीन्स कोई ऑर्डर दिया जाए किसी के द्वारा। फॉर एग्जांपल डोंट स्मोक इन द रूम, रूम के अंदर स्मोकिंग मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि रूम के अंदर स्मोकिंग करना मना है, रूम में स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। कम हेयर, जैसे कोई टीचर बच्चे को ऑर्डर देता है कम हेयर, स्टैंड अप, ठीक है, सेट डाउन, तो ये सब क्या है, ये कमांड दी जा रही है टीचर के थ्रू या एक ऑर्डर दिया जा रहा है टीचर के थ्रू, ठीक है। कोई भी किसी को ऑर्डर दे सकता है जो आपसे एज में या आपसे पोस्ट में अगर आपसे बड़ा है, ठीक है, तो वो आपको ऑर्डर दे सकता है। तो ये कैसा एग्जांपल हुआ, ये आपका कमांड का एग्जांपल हुआ और ये सेंटेंस आपका कहलाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ सी सजेशन, सजेशन मीन्स एडवाइस, जब हम कोई किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल यू शुड हेल्प द पुअर, यू मस्ट अप्लाई फॉर अ जॉब, तुम्हें पुअर की हेल्प करनी चाहिए, मीन्स तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू मस्ट अप्लाई फॉर अ जॉब, तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कोई किसी को एडवाइस दे रहा है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एडवाइस, एक सजेशन दी जा रही है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी मीन्स जहाँ पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एक्सप्रेस हो, एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस हो रही है, एक सडन अचानक से कोई हमारे अंदर फीलिंग आती है। जैसे हम कोई भी, मान लो हमने कोई ब्यूटीफुल फ्लावर देखा, ठीक है, रोज़ देखा, और उसको देखते हमने बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ओके। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट अ ब्यूटी, What a great success! These are the example of exclamatory sentence. और exclamatory sentence का सबसे बड़ा sign कौन सा होता है, exclamation sign, ठीक है। Next fifth one is optative sentence. Optative sentence means a sentence that expresses a wish, probability or supposition is called an optative sentence. Optative sentence का क्या मतलब होता है, जहाँ हम कोई विश कर रहे हैं, ठीक है, कोई विश की जा रही है, ठीक है, भगवान से कर रहे हैं, गॉड से कर रहे हैं कोई विश, ठीक है, या कोई प्रोबेबिलिटी है, मीन्स किसी तरह की कोई संभावना है, या हम कोई बात अपने अंदर, हम अपने माइंड में हम सोच रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये किसको डिनोट करते हैं, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस को शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, अगर मेरे पास विंग्स होते तो मैं भी फ्लाई कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, सपोज कर रहा है, लेट कर रहा है कि काश मेरे पास भी विंग्स होते और मैं फ्लाई कर पाता, मैं उड़ पाता। तो यहाँ पे क्या है, सपोजिशन हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज मे गॉड हेल्प यू इन योर अटैम्प्ट, गॉड तुम्हारी हेल्प करे तुम्हारे अटैम्प्ट में, ठीक है, तुम्हारे जो भी तुम करना चाहते हो, ठीक है, जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें गॉड तुम्हारी हेल्प करे। तो ये क्या है, यहाँ पे विश की जा रही है, गॉड से विश की जा रही है किसी के लिए, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, दीज आर द फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नाउ Do exercise question, find out whether the sentence is declarative, interrogative, exclamatory, imperative or optative. Okay, these are the sentences here. You find out whether the sentence is declarative, interrogative or exclamatory or imperative. ठीक है, ये जो sentences हैं
ये आपको पहले पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो सेंटेंस गिवन है ये कौन से काइंड का सेंटेंस है, मीन्स ये सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव है या इंटरोगेटिव है, ये एक्सक्लामेटरी है या इम्पैरेटिव है या फिर ऑप्टेटिव है, ठीक है। ओके, नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर, ठीक है। नाउ देयर इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द PDF फाइल, सो प्लीज गो टू द स्कूल वेबसाइट टू सी द PDF फाइल और नोट्स और स्टडी मटेरियल, और यू ऑल्सो सी इन द लिंक ऑफ द वीडियो, ठीक है। जो भी मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरी PDF फाइल का, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जो भी मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें देखिए, उसमें आपको PDF फाइल जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो में कोई भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आपको वो दिखाई नहीं दे रही या कोई भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अगर आप, ठीक है, तो आप PDF फाइल में नोट्स सारे बिल्कुल प्रॉपर बने हुए हैं उसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड यू प्लीज़ रिवाइज ऑल द रूल्स एंड डू एक्सरसाइज, ठीक है। इन सारे रूल्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिए फिर नोटबुक में, इनको रिवाइज करो, लर्न करो, देन यू विल डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।